हैरान हूं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी बड़ी इस पैमाने पे अगर चोरियां हो जाएं तो तीन लोगों को जरूर जागना चाहिए। एक आईन को, दस्तूर को, अगर वो जिंदा है उसको जागना चाहिए और उसके अंदर से सुओ मोटो नोटिस निकलना चाहिए। और दूसरा, जो सारे मैनेजर जहां जहां भी बैठे हैं उनको जागना चाहिए, उनको नजर आना चाहिए कि कौम का मैंडेट क्या है। और जो चोरी के जरिए से अगर किसी शख्स को चोरी के जरिए से जो PDM 2 है उसकी चोरी के जरिए से सीधी बात करता हूं, और उनका जो सीरियल नंबर 2 है उसकी चोरी के जरिए से अगर कोई उनको इक्तदार में दाखिल करेगा और फिर बाहर आके हमें ये कहेगा कि उनको मैंने वोट दे दिया लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार हूं और अपोजिशन है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब बड़े ज़बरदस्त बयान दे रहे हैं। मैं उनसे तवक्को करता हूं कि जो वफाक का इलेक्शन चोरी हुआ है उसके ऊपर अपनी पोजीशन वाज़े करें, नंबर 1। और नंबर 2, वो कहते हैं नवाज शरीफ मेरे साथ आए और आके नवाज शरीफ मेरे साथ अपोजिशन तो नहीं हो सकता ना, अपोजिशन नहीं हो सकता, वो पोजीशन अपनी वादे करें। मौलाना साहब पोजीशन वादे करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपके सामने 2 हकायक ऐसे रखना चाहता हूं जो इस पूरी कंपेन के दौरान आपके सामने किसी ने नहीं रखे, ना प्री इलेक्शन, ना ऑन इलेक्शन डे और ना ही पोस्ट इलेक्शन। वो हकायक ये हैं। पहली हकीकत, नवाज शरीफ 4 दफा वजीर आजम पहले ही रह चुका है। आप कहेंगे 3 दफा, नहीं भाई 4 दफा। 3 दफा उसको NRO के जरिए वजीर आजम बनाया गया था, 4th दफा उसको वो NRO देने वाला पर्दे के पीछे था, और 4th दफा उसको एक अदालती NRO के जरिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने बिठाया था। अब 4 पूरी हो गई उसकी बारियां, उसके बाद अब वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भाई, वो और उसका घराना, वो कितनी दफा वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे? 3 दफा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब रहा, 2 दफा नहीं, 1 दफा सलमान ने निकाला था, फिर उसको एक जुडिशियल सौरकारी के जरिए से दोबारा जजमेंट के जरिए वज़ीर-ए-आला बनाया गया था, और 2 दफा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आला रहे। और उसके साथ ही अब जो शहबाज शरीफ है उसने आपके साथ पाकिस्तानियों जो पिछले 21 महीने में किया, जो ये 5 हुकूमतें थी ये PDM की थी, आपने देखा नहीं कि जो इनकी पहली मुलाकात होती है जब इनको PDM 2 खेलना था तो वो किसके घर होती है? पंजाब के निगरान वज़ीर-ए-आला के घर होती है। लोगों को एडवांस नौकरियां दी जा रही हैं कि बोलना मत, लेकिन लोग बोलेंगे। इसलिए ये आजमाए हुए नहीं है सिर्फ, ये आजमाए हुए ठुकराए हुए हैं लेकिन फिर इक्तदार पे ललचाए हुए हैं। इस दफा ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जुल्म होगा कि लोगों के फैसले के साथ अगर मजाक किया जाए और लोगों को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अपना फैसला फिर जमहूरी तरीके से खुद मनवाने के लिए बाहर निकलें, वहां हालात ना ले जाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा 5 नुक्तों पे वाज़े मौकिफ है, कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन, कोई जमहूरियत नहीं होगी जब तक शेर दिल कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता। इसलिए कि वो जमीर का कैदी है और इसलिए कि वो ऐसा कैदी है जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, और वो कैदी है और जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनको NRO के जरिए से छोड़ा जा चुका है। दूसरा नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इख्तियार और इक्तदार का फैसला
पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है अल्टीमेट सॉवरन, यानी जमहूरियत वोट के घर की बांदी है, जहां वोट जाएगा उसको जमहूरियत कहा जाएगा। ये जो ऑपरेशन रद्दो बदल है, इसके जरिए से रात को गैस के नर्ख रद्दो बदल करके और बढ़ा दिए गए हैं। ये चोर आने से पहले पहले आपको वहां पहुंचा देंगे कि जो लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ चला जाए, और फिर इनके जो बालके होंगे वो कहेंगे ये इशू ठीक नहीं है, ये इशू, एक ही इशू है पाकिस्तान के लोगों का फैसला है, उस फैसले को तस्लीम किया जाए। तीसरा नुक्ता, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फौरी तौर पे उसको मौका दिया जाए कि उसका लीडर जब बाहर आए तो हम मरकज और दो सूबों में क्लियर हमारी मेजॉरिटी है, पंजाब में भी क्लियर हमारी मेजॉरिटी है। आपने देखा जिनके पास एक एक सीट है उनको चार चार लोटे, इस वक्त लोटों का लंगर चला हुआ है, वो तकसीम कर रहे हैं कोई बैठ के कि लोटा इधर जाएगा, वो कहता है नहीं मैं उधर जाऊंगा, फिर उसकी कीमत लगेगी, फिर वो उधर जाएगा जिधर सबसे ज्यादा। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि ये जो भी जाएगा यू विल सी दैट हैपनिंग, जिस तरह मैं आपके सामने आके बारहा ये कहता रहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, उसके साथ हाथ हो गया है, पहले कोई और हाथ करता रहा है, इस दफ़ा शहबाज ने बदला लिया है, इस दफ़ा उसके शहबाज के बेटे ने, जो शहबाज के बाद तीन दफ़ा वो रहा, बेटा भी चौथी दफ़ा पंजाब में वजीर आला, दो दफ़ा नवाज शरीफ भी रहा था। जो हमारा आखिरी नुक्ता है वो ये है कि फौरी तौर पे फेयर इलेक्शन हुए नहीं हुए, इस पे एक आला तरीन अदालती कमीशन बनाया जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने आपको कल बताया था, और उसमें डिस्कशन हुई है, और कुछ और वकला से भी राय ली गई थी, और मैंने राय ये दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2013 का ने इलेक्शन चैलेंज किया था शहजादा, उसके ऊपर एक कमीशन बना था अदालती, और जस्टिस नासिरुल मुल्क जो बाद में चीफ जस्टिस बने, जस्टिस नासिरुल मुल्क का कमीशन उसको कहते हैं, उसका फैसला मौजूद है, और उस फैसले में एक बुनियादी नुक्ता है जिसको कहते हैं उस फैसले की जान। वो बुनियादी नुक्ता ये है कि सारी गड़बड़ फॉर्म 45 के अंदर हुई है, सिर्फ एक जो सियालकोट का हलका था उस हलके के अंदर फॉर्म 45 के अंदर जो वोटों में गड़बड़ की गई थी, उसके बाद चार हलकों पे हम आए, चार हलकों में से तीन हलकों में तो मैं वकील था इसलिए मैंने सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है, एक हलके के अंदर 92,000 ऐसे वोट थे जिनकी शनाख्त ही नहीं हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने फिगर लिखा और कहा 92,000 वोट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसलिए कल चार मुल्कों के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क का जो वजीर आजम है, जो भारतीय मुसलमानों का कातिल भी है और हमारा दुश्मन अव्वल है या आखिर है, आप मुझे ये समझ नहीं रही, बहुत सारे और भी पैदा हो गए लेकिन वो दुश्मन है मुसलसल, चार इस्लामी मुल्कों के साथ उसने दौरे करके कल एग्रीमेंट किए, चार इस्लामी मुल्कों के साथ। हम क्या कर रहे हैं, वोट में रद्दो बदल, आजाद में रद्दो बदल, जिस पार्टी का सदर हार जाए उसके लिए रद्दो बदल, जिसको लोग मुस्तरद कर दें उसके लिए रद्दो बदल। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम सख्त इस वक्त सख्त इस बात पे नाराज हैं, मैं नर्म लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्यों उनके वोट की इज्जत नहीं की जा रही। मैं सबसे दरखास्त करता हूं, नवाज शरीफ, मैंने आपको दो हफ्ते पहले कहा था कि आप अगर वोट को इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, अब बोलो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, यहां आ जाओ, अब जरा ट्विटर चलाओ ना जो हर वक्त चलता रहता था, अब जरा मुहिम चलाओ ना, शुक्रिया अदा करने के लिए जलसे शुरू करोगे, नहीं हो सका, सबको पता है चोरी का माल है, चोरी के माल के लिए जो एक खास बाजार होता है किसी ना किसी इलाके में, दुनिया में है ऐसे बाजार जिसको कहा जाता है चोर बाजार, ये चोर बाजार से मैंडेट की जो थीफ्स ऑफ मैंडेट वो इक्तदार चाहते हैं,
इक्तदार पाकिस्तान के लोग इस तरह की गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि कौम खड़ी है, इसलिए वो कहता है आखिरी सांस तक और आखिरी बॉल तक मैं लड़ता रहूंगा और मैं खड़ा हूं। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ है उसको इलेक्शन कहने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। और इसके हवाले से जो झूठ बोला जा रहा है, हम जानते हैं कि करामल कातबीन दो फरिश्ते हैं जो एमाल लिखते रहते हैं, मेरे ख्याल में तो उन्होंने कलम रख दिए होंगे, इनके झूठ सुन सुन के थक गए होंगे उनके कलम, और जो झूठ है वो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन उसके खात्मे का दिन करीब आ रहा है, मुस्तकबिल आपका है। थैंक यू। ये मैं एक जवान है, ये मलिक तौकीर अब्बास खोकर है, ये इज वेरी स्पेशल टू मी, और इसने हाउस ऑफ शरीफ के नजदीक उनको शिकस्त दी है, उसको अब अपनी शिकस्त को वो जो हाउस ऑफ शरीफ नहीं कह सकता अब मैं, बहुत शरीफ है, उसको उस घर में शिकस्त हुई है, उसको मैंने कहा है कि थीफ्स ऑफ मैंडेट्स, वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रास्ता रोकने के लिए ये इलेक्शन कमीशन में आए हुए हैं। ये बड़ा बहादुर आदमी है तौकीर, इससे मेरी जो आखिरी मुलाकात थी तकरीबन 4.5 साल पहले हुई थी, और आज 4.5 साल के बाद इलेक्शन कमीशन में मैं उनके वकील की हैसियत से पेश हुआ हूँ। थैंक यू। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, किसी ज़माने में कोविड आया था, उसके बाद टड्डी दल आया, और उसके बाद मैंडेट थीफ्स आ गए, वो चोर जो मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनमें से एक चोरी हमने पकड़ लिया आज, और जो पकड़ने वाला है वो इस वक्त मेरे साथ खड़ा है, वो आप प्यार से कहते हैं ना साडा शहजादा, वो वाकई शहजादा है, शहजादा गुस्तासिब नवाज शरीफ का आज मुकदमा खारिज हो गया, और ये और दूसरे इंशाल्लाह इन लाइन है, एक खालिद नवाज है और बहुत सारे दूसरे हैं, और अब्दुल वहाब मुमताज कालू, उनकी जगह ये आपके सामने है बैरिस्टर अब्दुल्ला। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी बड़ी इस पैमाने पे अगर चोरियाँ हो जाएं तो 3 लोगों को ज़रूर जागना चाहिए। एक आईन को, दस्तूर को, अगर वो ज़िंदा है उसको जागना चाहिए, और उसके अंदर से सुओ मोटो नोटिस निकलना चाहिए। और दूसरा, जो सारे मैनेजर जहाँ जहाँ भी बैठे हैं उनको जागना चाहिए, उनको नज़र आना चाहिए कि कौम का मैंडेट क्या है, और जो चोरी के ज़रिए से अगर किसी शख्स को चोरी के ज़रिए से जो PDM 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से सीधी बात करता हूँ, और उनका जो Serial Number 2 है उसकी चोरी के ज़रिए से अगर कोई उनको इक्तदार में दाखिल करेगा और फिर बाहर आके हमें ये कहेगा कि उनको मैंने वोट दे दिया लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ और अपोजिशन है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब बड़े ज़बरदस्त बयान दे रहे हैं, मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि जो वफाक का इलेक्शन चोरी हुआ है उसके ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करें, नंबर 1, और नंबर 2 वो कहते हैं नवाज शरीफ मेरे साथ आए, और आके नवाज शरीफ मेरे साथ अपोजिशन तो नहीं हो सकता ना, अपोजिशन नहीं हो सकता, वो पोजीशन अपनी वादे करें, मौलाना साहब पोजीशन वादे करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं।
अब मैं आपके सामने दो हकायक ऐसे रखना चाहता हूं जो इस पूरी कंपेन के दौरान आपके सामने किसी ने नहीं रखे, ना प्री इलेक्शन, ना ऑन इलेक्शन डे और ना ही पोस्ट इलेक्शन। वो हकायक ये हैं। पहली हकीकत, नवाज शरीफ 4 दफा वजीर आजम पहले ही रह चुका है। आप कहेंगे 3 दफा, नहीं भाई 4 दफा। 3 दफा उसको NRO के जरिए वजीर आजम बनाया गया था, 4th दफा उसको वो NRO देने वाला पर्दे के पीछे था, और 4th दफा उसको एक अदालती NRO के जरिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने बिठाया था। अब 4 पूरी हो गई उसकी बारियां, उसके बाद अब वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भाई, वो और उसका घराना, वो कितनी दफा वजीर आला पंजाब रहे? 3 दफा शहबाज वजीर आला पंजाब रहा, 2 दफा नहीं, 1 दफा सलमान ने निकाला था, फिर उसको एक जुडिशियल सौदाकारी के जरिए से दोबारा जजमेंट के जरिए वजीर आला बनाया गया था, और 2 दफा नवाज शरीफ वजीर आला रहे।